और ये देखिए तस्वीरें हिंडन एयरबेस से हमारे सामने आ गई हैं। तमाम भारतीय 168 लोगों को लेकर इंडियन एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पहुंच गया है। 168 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें 100 भारतीय थे। तो ये तमाम लोग अब हिंदुस्तान पहुंच गए हैं और हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सुरक्षा का कैसा भाव, कैसा संतोष, कैसी संतुष्टि इन्हें महसूस हो रही होगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस विमान के लैंड करते ही। ये तस्वीरें आप देखिए, वो तमाम भारतीय जो कि अफगानिस्तान में मुश्किल हालात में फंसे हुए थे, उनका इवैक्यूएशन लगातार किया जा रहा है। ये प्रोसेस लगातार जारी है और अब आज से इस प्रोसेस में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। ये देखिए तमाम महिलाएं, बच्चियां अफगानिस्तान के मुश्किल हालात का जो सामना कर रही थी, वो अब हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं और इन तमाम लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर एक तरह का संतोष इस वक्त नजर आ रहा है। और हमारे साथ द्विवेदी जी मौजूद हैं, देव कार्लेकर जी के पास भी मुझे जाना है, लेकिन द्विवेदी जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे इस पर लेना चाहूँगा। कितनी और तेज़ी लाने की ज़रूरत है? और हम देख रहे हैं, कहा यह भी गया है कि आज से जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा और अंदाज़ा ये लग रहा है कि तकरीबन 1000 लोग वहाँ पर अभी भी मौजूद होंगे जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ बिल्कुल समीर, क्योंकि इस समय हमारी सबसे जो प्रायोरिटी चुनौती है वो हर एक भारतीय को बाहर निकालने की है जी। और हमारे स्लॉट बहुत ही कम है, 2 स्लॉट्स हैं, तो हम इसको अभी बहुत ही अपनी बेखूबी से कि कुछ लोग तजाकिस्तान की तरफ से निकले, कुछ भारत की तरफ से निकले, क्योंकि इस समय जब सबसे इंसानियत जो है वो उसका सबसे हमें ज्यादा फिकर है। और मुझे बड़ा अफसोस है ये शाह जी जो पाकिस्तान से बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सा मजहब है जो इंसानियत को नजरअंदाज कर रहा है। और जो अफगानिस्तान में जो लड़ाई हो रही है वो तो मुसलमानों के बीच में हो रही है। हाँ। ये हजारा हैं, तजाक हैं, ये मुसलमान नहीं है। इनको ये पूछना चाहिए कि ये क्या इधर प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि इस्लाम इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के लोग ही इस्लाम से लड़ रहे हैं और इनको ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा खलनायक है और इसलिए उनका किरदार है और उन्हीं के कारण ये अमेरिका की हार हुई है। और अमेरिका अच्छी से जानता है, उनकी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई है कि पाकिस्तान ने बड़ा डबल रोल किया है पाकिस्तान का। द्विवेदी जी, सज्जन आर साहब भी इस पर मुस्कुरा रहे हैं और बखूबी समझते हैं पाकिस्तान का ये कैरेक्टर। जब तालिबानी आतंकी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं ना, तो इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आता है अहमद खान साहब को भी, लेकिन जब अफगानिस्तान के आम लोग तालिबानियों का जवाब देने के लिए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो ये जनाब चुप्पी साध लेते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।